माइक्रोसॉफ्ट के वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट हजारों इंजीनियर्स हायर करता है हर साल, जिसमें आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं एंड फ्रेशर्स भी शामिल हैं। अगर आपको भी माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोफाइल्स जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है एंड सैलरीज कितनी देता है उन प्रोफाइल्स में। वी विल डिस्कस बोथ अबाउट द SDE 1 प्रोफाइल जो कि फ्रेशर्स के लिए होती है एंड SDE 2 प्रोफाइल जो कि थोड़ा सा सीनियर लोगों के लिए होती है। देन वी विल डिस्कस डिफरेंट पर्क्स जो कि कंपनी में मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी। बहुत सारे पर्क्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में आपको मिलने वाले हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंपनीज कल्चर, योर ग्रोथ इन द कंपनी, एक बार आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, डिफरेंट लोकेशंस जहां पर कंपनी प्रेजेंट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन विच द कंपनी इज वर्किंग। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, द हायरिंग प्रोसेस एंड द एग्जिट प्रोसेस फ्रॉम द कंपनी। तो इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, जिससे कि आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने लिंक्डइन से या अपने फ्रेंड से माइक्रोसॉफ्ट के हाई सैलरीज के बारे में तो सुना ही होगा। सो लेट अस डिकोड इन दिस सेक्शन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में कितनी सैलरी देता है। सो फॉर फ्रेशर्स द सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 51 LPA। ये 51 LPA राइट आफ्टर कॉलेज आपको मिल जाता है एंड इट कैन स्लाइटली वेरी। अगर कॉलेज के बाद आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 51 LPA का 61 LPA भी हो सकता है एंड इट कैन स्लाइटली डिक्रीज ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन योर नेगोशिएशन कॉलेज में, क्योंकि नेगोशिएशन होती नहीं है तो 51 LPA आपको फिक्स मिलता है। इट कैन गो टू 2 CR फॉर सीनियर लेवल रोल्स। एंड ये सारी सैलरीज मैं इंडिया की बता रहा हूँ आपको। तो राइट आफ्टर द कॉलेज या फिर 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद माइक्रोसॉफ्ट जो ज्वाइन करता है उसको L59 या L60 ऑफर किया जाता है, विच इज SDE 1। एंड यहाँ पर आपका पैकेज लगभग 51 LPA होता है। तो इस 51 LPA का हम लोग ब्रेकडाउन देखते हैं। इसमें बेस सैलरी है 15 लैक्स, साइन ऑन बोनस है 5 लैक्स, स्टॉक्स दिए जाते हैं 35,000 USD के, जो कि रफली बनते हैं अराउंड 28 लैक्स, वेस्टेड ओवर 4 ईयर्स 25% ईच ईयर, तो 1 साल के स्टॉक्स बनते हैं 7 लैक्स। एंड बाकी सारे बेनिफिट्स लाइक रिलोकेशन के मिल जाते हैं आपको 3 लैक्स। तो फर्स्ट ईयर का टोटल कंपनसेशन बन जाता है 30 लैक्स। अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट एज एन SDE 2 जो कि L61 होता है। एंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, ऑल दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। सो लेट अस लुक एट द ब्रेकडाउन। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इफ़ यू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट एज एन SDE 1 तो आपका जब प्रमोशन होगा आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। सो एट L61 लेवल जो कि SDE 2 है, द बेस सैलरी इज 32 लैक्स INR, साइन ऑन बोनस इज 5 लैक्स, स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे 80,000 USD के, वेस्टेड ओवर 4 ईयर्स 25% ईच ईयर, तो फर्स्ट ईयर का बन जाएगा लगभग 16.5 लैक्स। परफॉर्मेंस बोनस वेरीज फ्रॉम 0% to 20%। सो 1 ईयर का जो कंपनसेशन है दैट विल बी एटलीस्ट 56 लैक्स। चलिए हमने सैलरी की बात तो कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर ट्रेजेक्ट्री। एक बार आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया तो आपके प्रमोशंस कैसे होंगे, आपकी ग्रोथ कैसे होगी। सो बाकी सारी फैंग कंपनीज की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट की करियर ट्रेजेक्ट्री भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आपकी ग्रोथ, आपका प्रमोशन कितना फास्ट होने वाला है। इंजीनियर्स की जर्नी L59 से स्टार्ट होती है, जो कि बेसिकली SDE 1 का रोल है। यहाँ पर आपके पास या तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, और आप यहाँ पर फाउंडेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एन SDE 2। SDE 2 बनने के लिए आपको 2 प्रमोशंस चाहिए होंगे। आपको L59 से पहले L60 बनना होगा एंड देन L60 से L61। अगर एक हेल्दी प्रमोशन पेस माना जाए तो लगभग 1.5 साल में आपका 1 लेवल इंक्रीमेंट हो सकता है। सो SDE 2 बनने के लिए आपको 2 लेवल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 3 साल में आपका प्रमोशन एज SDE 2 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ 2 साल में भी कर लेते हैं इफ देयर परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली गुड। आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर आप भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं एंड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो बॉसकोडर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर के आया है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोग्राम अलॉन्ग विद द वॉक थ्रू ऑफ द पोर्टल। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी प्रोग्रेस। आपको यहाँ रेगुलर 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, जो अपने हिसाब से आप किसी भी टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कन्वीनियंटली किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। द लुक्स एंड फील ऑफ द पोर्टल इज ग्रेट, विच गिव्स एन अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। बट यार, लर्निंग तो ठीक है, लेकिन आप ये टेस्ट कैसे करेंगे कि इफ़ यू आर एक्चुअली लर्निंग और नॉट? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड टेस्ट दिए जाते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे उनको मॉनिटर किया जाता है। इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं एंड रिज्यूमे बिल्डिंग कराई जाती है। यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ पीयर कम्युनिटी विद मोर देन 2,000 लर्नर्स ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो चेक आउट बॉसकोडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को 3 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं टू बिकम एन SDE 2। एंड वंस यू बिकम एन SDE 2, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ज्यादा ओनरशिप लें, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें एंड आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।
तो नेक्स्ट स्टेप इज SD3। लेवल 62 से 63 का जो जंप है वो काफी चैलेंजिंग होता है और यहाँ पर 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं लोगों को। ये इसलिए क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है और SD3 पे आप क्रॉस टीम कोलैबोरेशन लीड कर रहे होते हो और डिसीजन मेकिंग में एक की स्टेक होल्डर बन जाते हो। काफी लोग तो SD3 प्रोफाइल में प्रमोशन लेते भी नहीं है, दे प्रेफर बीइंग एट SD2 प्रोफाइल क्योंकि यहाँ पर अच्छा काम है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है। SD3 पे सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि SDE1 प्रोफाइल पे आप बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते हो। तो बेसिकली अगर आप बहुत लंबे टाइम तक SD1 प्रोफाइल पे हो एंड प्रमोशन नहीं ले पा रहे हो, यू कैन गेट फायर्ड। बट SD2 प्रोफाइल पे आप लोग काफी लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हो एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। काफी लोग तो SD3 प्रोफाइल पे प्रमोशंस लेते भी नहीं है, ऑल्दो SD3 पे सैलरीज वगैरह ज्यादा हैं, बट पीपल स्टिल प्रेफर SD2 बिकॉज ऑफ द वर्क जो वहाँ पर आपको करने के लिए मिलता है एंड सैलरी भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट होती है। तो चलिए अब हमने सैलरी डिस्कशन एंड करियर ट्रेजेक्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपनीज पर्क्स। हम लोगों ने अमेजोन एंड गूगल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने काफी सारे पर्क्स के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलर काइंड ऑफ पर्क्स आपको माइक्रोसॉफ्ट में भी मिल रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिसेज विद मॉडर्न वर्क स्टेशंस, रिक्रिएशनल स्पेसेस, जिम्स, कैफेटेरियाज, टीम आउटिंग्स, सेलिब्रेशंस एंड मच मोर। बट कुछ पर्क्स ऐसे भी हैं दैट आर अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिव टू माइक्रोसॉफ्ट, तो उनको भी देख लेते हैं। फूड एंड हॉबी पर्क्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज में 24/7 स्टॉक्ड पेंट्रीज अवेलेबल हैं जिसमें स्नैक्स, बेवरेजेस, कॉफी मशीन्स हमेशा एक्सेसिबल होती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज को फूड क्रेडिट्स दिए जाते हैं जो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बफे के लिए रिडीम किए जा सकते हैं। एक और यूनिक पर्क है 30,000 का एनुअल हॉबी अलाउंस जो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पैशन पे स्पेंड कर सकते हो, फिर चाहे वो म्यूजिक क्लासेस हो, फोटोग्राफी गियर्स हो या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो। ये इनिशिएटिव वर्क के अलावा पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग को भी प्रमोट करता है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। माइक्रोसॉफ्ट के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, जो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि OPD क्लेम्स, आई चेकअप्स, डेंटल केयर, डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे फीचर्स भी कवर करते हैं। एम्प्लॉयज और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए अपोलो 24/7 पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए फ्री थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं। फिजिकल फिटनेस और वेलबींग के लिए जिम रीइंबर्समेंट्स और वेलनेस प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। स्टॉक ग्रांट्स एंड बोनसेस। माइक्रोसॉफ्ट का ESPP एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान एक मेजर फाइनेंशियल पर्क है जिसमें एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर सैलरी स्पेंड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स खरीदने के लिए एट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट पर्क इज लर्निंग एंड ग्रोथ। एम्प्लॉयज को एजुकेशन रीइंबर्समेंट मिलता है जो सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज या एडवांस डिग्रीज के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप हायर स्टडीज परचेज करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इसके अलावा कंपनी गेस्ट स्पीकर्स के थ्रू टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, ITR फाइलिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक्स कवर करवाती है जो कि एम्प्लॉयज के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेटिंग्स जो कि एम्प्लॉयज ने दी है माइक्रोसॉफ्ट को एंड ये रेटिंग्स एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से है। तो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज ने जॉब सिक्योरिटी में दिए हैं 3.6 out of 5, वर्क लाइफ बैलेंस में 4.1 out of 5, कंपनीज कल्चर में 4 out of 5, स्किल्स एंड सेल्फ ग्रोथ में 3.9 out of 5, सैलरी एंड प्रमोशन में 3.7 out of 5। अब जॉब सिक्योरिटी एंड सैलरी एंड प्रमोशंस में रेटिंग्स थोड़ी सी कम है। जॉब सिक्योरिटी का तो समझ में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काफी ज्यादा फायरिंग करी थी जिसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी की रेटिंग्स कम हुई है, बट वाई सैलरी एंड प्रमोशंस? तो बेसिकली आपके प्रमोशन के लिए सिर्फ आपका परफॉर्मेंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, देर आर डिफरेंट बिजनेस फैक्टर्स एज वेल। अगर मान लेते हैं कि एक टीम में SD3 के सिर्फ 2 ही बंदे रिक्वायर्ड हैं तो SD2 लेवल पे जितने भी लोग हैं उनको SD3 बनने में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको टाइम लगेगा काफी ज्यादा। सो समटाइम्स स्विचिंग द टीम इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रमोशंस, और यू कैन ट्रांसपेरेंटली टॉक टू योर मैनेजर कि भाई मेरे को प्रमोशन चाहिए, गाइड मी हाउ कैन आई वर्क टूवर्ड्स इट। सो बेसिकली आपका इंटेंट, आपकी मेहनत, उसके साथ साथ बिजनेस रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। दैट इज द रीजन वाई माइक्रोसॉफ्ट में और बाकी और भी कंपनीज में प्रमोशंस जो हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं एज यू ग्रो अप इन द लैडर। चलिए अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट है एंड ये किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट सुनते ही विंडोज एंड MS ऑफिस जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स दिमाग में आते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। ये एज्योर, AI एंड रिसर्च थ्रू Copilot, OpenAI पार्टनरशिप, GitHub, LinkedIn, टीम्स और एक्सबॉक्स जैसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में डोमिनेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल हेडक्वार्टर रेडमोंड वॉशिंगटन में है और कंपनी के पास 2,20,000 एम्प्लॉयज हैं जो 190+ कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। इंडिया में भी माइक्रोसॉफ्ट काफी बड़ा प्रेजेंस रखता है जिसमें हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा, पुणे, गुड़गांव जैसे मेजर सिटीज में बड़े बड़े कैंपसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि क्लाउड सर्विसेज, रिसर्च और AI इनोवेशंस पे भी काम करता है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज एन इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन एम्प्लॉयज कैन मूव अब्रॉड थ्रू इंटरनल ट्रांसफर्स जो कि काफी लोगों को बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगता है। हायरिंग की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हायर्स इन अ वेरी गुड नंबर फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे कॉलेजेस में माइक्रोसॉफ्ट विजिट करता है फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स जस्ट लाइक IITs, NITs, बहुत सारे Tier 3 कॉलेजेस, थापर, मणिपाल,
अब तो माइक्रोसॉफ्ट काफी सारे टीयर 3 कॉलेजेस में आने लग गया है बिकॉज ऑफ देयर हाई डिमांड। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो दे हैव टू अप्लाई ऑन द करियर पोर्टल मोस्ट ऑफ द टाइम और दे कैन गेट अ रेफरल। रेफरल एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट बिकॉज इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वंस एन एम्प्लॉय रेफर्स यू, रिक्रूटर विल डेफिनेटली सी दैट रिज्यूमे। उसके बाद सेलेक्ट होना नहीं होना वो फिर आपके रिज्यूमे पर डिपेंड करता है, कंपनी की डिमांड पर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट द रिक्रूटर विल हैव अ लुक एट योर रिज्यूमे। 2023 के टेक लेऑफ और हायरिंग स्लोडाउन के बाद 2024 में मार्केट रिकवरी हुई है जिससे माइक्रोसॉफ्ट का भी हायरिंग पेस वापस बढ़ा है। हाउएवर रिसेशन का हिट माइक्रोसॉफ्ट पे काफी जोर से लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने काफी फेमस हायरिंग प्रोग्राम्स कॉल ऑफ कर दिए हैं। 2024 में भी माइक्रोसॉफ्ट की FTE हायरिंग बहुत कम हुई थी एंड मोस्ट SD1 वैकेंसी समर इंटर्न्स को PPO देकर के फुलफिल करी गई थी। बट इस साल होप है कि लैंडस्केप काफी बेटर होगा। सो लेट अस ऑल्सो लुक एट द हायरिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम लोग करंट ट्रेंड की बात करें तो 2024 में 6 months इंटर्नशिप प्लस अ PPO बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है। फॉर एग्जाम्पल Amazon ने इस बार काफी हैवी हायरिंग करी है विद 6 months interns, बट Microsoft ने अभी भी FTE हायरिंग मॉडल को ही प्रेफर किया है। वैसे Amazon काफी अग्रेसिवली हायर कर रहा है इस साल एंड मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है जहां पर मैंने पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस किया Amazon का। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर के आप लोग देख सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग अभी भी खुली होगी तो यू कैन गो एंड अप्लाई विद द हेल्प ऑफ अ रेफरल। कमिंग बैक टू माइक्रोसॉफ्ट, इसका प्रोसेस एक ऑनलाइन असेसमेंट से स्टार्ट होता है जिसमें 2 DSA बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन टोटल 110 मिनट्स। ये पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है पर मोस्टली लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। इंटरव्यू की कॉल्स मोस्टली तभी आती हैं जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं एंड सारे एज केसेस भी कवर हो जाएं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद कैंडिडेट को 2 टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक करने होते हैं, अगेन DSA बेस्ड टेक्निकल राउंड्स, जहां पर इंटरव्यू में 1 से 3 DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यूअर माइट ऑल्सो चेक योर कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट फर्स्ट राउंड तो यूजुअली प्योर DSA ही होता है। एक और बात, आपको इंटरव्यूज में अपने सॉल्यूशंस कोड एंड रन भी करने के लिए बोला जा सकता है। बोथ इंटरव्यूज लास्ट अबाउट 45 to 60 मिनट्स। दोनों टेक्निकल राउंड्स क्लियर होने के बाद थर्ड राउंड होता है जिसमें DSA नहीं बट कोर कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें थोड़े से बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी देख लिए जाते हैं आपका कंपनी फिट इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट करियर पोर्टल। अब बहुत सारे कैंपसेस में माइक्रोसॉफ्ट विजिट नहीं करती है, दे हैव टू गो थ्रू दी करियर पोर्टल्स ऑप्शन। बाकी अगर आप लेटरल एंट्री से जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन ऑल्सो यू विल हैव टू अप्लाई थ्रू करियर पोर्टल। यहाँ पर या तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, अपना रिज्यूमे वगैरह देना होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, या फिर यू कैन गेट अ रेफरल। रेफरल के बाद भी यू विल हैव टू अप्लाई, इससे आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वंस योर रिज्यूमे इज शॉर्टलिस्टेड यू गेट एन ईमेल कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और इंटरव्यू प्रोसेस लगभग आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट जैसा ही होता है, वहां पर भी जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं सिमिलर काइंड ऑफ राउंड्स आपके यहाँ भी होते हैं, बट एज योर सीनियोरिटी लेवल इंक्रीजेज वैसे आपके राउंड्स जो होते हैं वो थोड़ा चेंज होते जाते हैं। इट बिकम्स मोर टुवर्ड्स बिहेवियरल राउंड्स एंड आपका सिस्टम डिजाइन भी इंक्लूड हो जाता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है समर इंटर्नशिप। अब माइक्रोसॉफ्ट 2 महीने की समर इंटर्नशिप ऑफर करता है एंड उसके बाद PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देता है जो कि एक फुल टाइम ऑफर है। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो जैसे ही आपका सेकेंड ईयर खत्म होगा, आप लोगों के पास ऑप्शन होगा टू अपीयर फॉर दिस समर इंटर्नशिप बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। वंस यू गेट इनटू इट, अगर आप ये ऑफर क्रैक कर पाते हैं तो 3rd ईयर के समर वेकेशंस में 2 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी होगी एंड बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस आपको फुल टाइम ऑफर कर दिया जाएगा। इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना वो भी लगभग सेम फुल टाइम की तरह ही रहता है, उतने ही राउंड्स होते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहता है, वे के क्वेश्चंस भी लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, तो कुछ डिफरेंस नहीं होता फुल टाइम का और समर इंटर्नशिप का। तो बेसिकली अगर बताया जाए तो 2nd ईयर वाले से भी वही एक्सपेक्टेशन होती है फॉर इंटर्नशिप एंड 3rd ईयर वाले से भी वही एक्सपेक्टेशन होती है फॉर फुल टाइम इंटरव्यूज। नेक्स्ट प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम। अभी पिछले 1-2 साल से नहीं हुआ है तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एग्जिट प्रोसेस की, जस्ट इन केस आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ पाना कितना आसान या डिफिकल्ट है। तो इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लाइक अदर फाइन कंपनीज। आपको अपने मैनेजर से बात करनी है, देन यू हैव टू डिसाइड ए नोटिस पीरियड। यूजुअली 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है बट बेस्ड अपॉन योर सीनियोरिटी इट कैन गो फ्रॉम 45 days to 60 days एज वेल। एंड इन फ्यू केसेज अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम किया है एज अ फ्रेशर जस्ट लाइक 6 months, तो आपका नोटिस पीरियड 15 दिन का भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्स एम्प्लॉइज को बूमरैंग्स बोलता है एंड बूमरैंग आपको पता है कि क्यों बोला जाता है, बेसिकली दे कैन रीजॉइन माइक्रोसॉफ्ट। एंड 2019 का अगर डेटा देखा जाए तो 10% जो हायर हुए थे 2019 में उसमें से 10% लोग बूमरैंग्स थे यानी कि एक्स एम्प्लॉइज थे। सो माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्स एम्प्लॉइज को बहुत ही ईजिली हायर करता है, हालांकि अभी करंटली ये प्रोग्राम हॉल्ट पे है, पॉज कर दिया गया है एंड वेबसाइट पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इट इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम बट वी आर नॉट श्योर व्हेन।
तो डेफिनेटली इफ यू लीव माइक्रोसॉफ्ट यू कैन अगेन रीजॉइन माइक्रोसॉफ्ट जस्ट लाइक गूगल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। अब आगे किस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करना है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए एंड डू लेट मी नो हाउ आर यू लाइकिंग दिस वीडियोस, कि आपको इन वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली लेट मी नो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।